प्रभु की योजना है और बाइबल इस विषय में बता रही है और लोगों के लिए। देखिए, हे मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, रोमियो 10 उसका पहली दूसरी आयत। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है पर बुद्धिमानी के साथ नहीं। यही फैक्ट है आज दुनिया का, परमेश्वर के लिए धुन तो है इनको सबको, परमेश्वर को तो ये सब देख रहे हैं लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं ढूंढ रहे। वचन हमको ये बात बता रहा है कि उनको धुन तो है। कब होती है धुन? जब डॉक्टर की नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, जब दिखता है ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही, जब कोई परेशानी की घड़ी आ गई, कोई निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, उस घड़ी में जब परमेश्वर याद आता है तो धुन तो रहती है लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। तब भी हम सोचते हैं हमारे दान देने से, हमारी बड़ी बड़े काम करने से हम बच जाएंगे। वचन कह रहा है ये बुद्धिमानी की बातें नहीं है। तो हम उनके लिए जो हम कह रहे हैं, हम नजात के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना की बात कह रहे हैं, अपने लिए भी और उनके लिए भी, तो उसी तरह करने की बात कह रहे हैं जैसे पौलुस कह रहा था। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग थी। देखिए, आप और मैं, हम भी दुआ करते हैं कि भाई हम जिन्हें चाहते हैं वो भी हर एक प्रभु को जाने, उसकी आशीष पाए, उनकी आत्माएं बचाई जाए। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग है। यहाँ बचाए जाने में पूरी तरीके से होली स्पिरिट का मार्गदर्शन था, पूरी वक्त मौजूदगी थी। कैसे थी? देखिए, एक्ट्स में प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और उसके 26, 27, 29 एक वर्णन है यहाँ पर कि जो एक स्वर्गदूत आ गया बताने के लिए फिलिपुस को। और आप सब कहोगे कि वो कहानी की किताबों की बातें हैं, अब नहीं ऐसा हो सकता। तो मैं बिल्कुल आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, ये जीवित वचन है। जैसा उसके साथ हुआ वैसे ही मेरे साथ, आपके साथ, हर किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो यहाँ स्वर्गदूत ने उसको बोला, पूरी इंस्पिरेशन मिली, कहाँ जा, क्या कर, कैसे कर, पूरी घटना आप पढ़ सकते हैं एक्ट्स की किताब में। प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। देखिए, मार्ग भी बता दिया, दिशा भी बता दी। जो यरूशलम से अज्जा को जाता है वो जंगल में है, उठकर चल दिया। देखिए पूरी बात, मैं उतना लंबा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन यहाँ फिर आखिरी में लिखा, आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। यानी उसको ऑडिबल वॉइस ने कहा ये बात, सुनाई देने वाली बात नहीं कही। आज हम सोचते हैं बस उतना काफ़ी है, बाइबल पढ़ ली, चर्च चले गए, बपतिस्मा ले लिया, गाना गा लिया, दशमांश दे दिया, इना। लेकिन हम ये नहीं जान रहे परमेश्वर इतना वास्तविक है, उसका आत्मा सुनाई देने वाला, बात करने वाला, आपका गाइडेंस करने वाला है। तो मैं यहाँ पर इस बात पर आऊँगी, इसके बाद तीसरी बात पे, हियरिंग फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से सुनना, जिसको आप और मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे अंतरात्मा की आवाज़ें, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं सिक्स सेंस है मेरा, बहुत मेरी ऐसी बात है कि मुझे इंट्यूशन हो जाता है, बहुत अच्छा ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ ये इंट्यूशन की बात नहीं है, ये परमेश्वर को सुनने की बात है। उसकी आज्ञा डायरेक्ट सुनाई दे रही थी यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आप और मैं भी वो वरदान पाएं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को, उसके बात को, उसके वायदे को ऑडिबल तरीके से ऐसे आमने सामने सुन सकें जिसे रोमियो 8:14 में लिखा है। देखिए, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की संतान और उसके वारिस हैं। तो अगर आप सोचते हैं, अगर आप बचाए गए लोग हैं, सेव्ड हैं, बॉर्न अगेन हैं, आत्मा से भरे हैं, परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें अगर उसके संतान है, उसके उत्तराधिकारी हैं, तो हमारी आशा भी तो उतनी ही ऊँची होनी चाहिए कि हम संतान किसकी हैं। सब देख रहे हैं आजकल के रुतबे का कितना है, जिनकी संतानें हैं और जिनके माँ बाप ऊँचे ओहदे पे होते हैं, वो उनकी भी एक्सपेक्टेशन उतनी होती है। तो ये कितने आनंद की बात नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिससे ऊंचा कोई ओहदा ही नहीं है, जिससे ऊंचा कोई अधिकार अथॉरिटी है ही नहीं, अगर आप और मैं उसकी संतान है, प्रभु का वायदा है, किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति, पुत्र और पुत्री बनाता है, उत्तराधिकारी बनाता है, वारिस बनाता है, हमारे लिए जगह तैयार करता है। उसके बाद वो हमसे बात करने की, जो मैं बात कर रही हूँ कि परमेश्वर के वचन को कैसे सुने, ग्रहण करें, वो है यशाया 30:21 में, जब कभी तुम दाहिने और वह बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से ये वचन तुम्हारे कान में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। कभी आपने सुना है ऐसी बात? इतनी स्पष्ट परमेश्वर की गाइडेंस,
किस किस से पूछते रहते हैं हम, यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट, वहां प्रेयर रिक्वेस्ट, इस भविष्य वक्ता से उससे। वचन कह रहा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हें देखे जा रहा हूँ, जब तू भी वो नहीं समझ पाए, फैसला ना ले पाए, भ्रमित होने लगे, वो तुझे बताएगा कि मार्ग यही है, इस पर चलो। और यहाँ यशाया में तो ये साफ बोल रहा है, वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग ये है, इस पर चलो। ऑडिबल वॉइस, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए कानों को खोलें। वो जीवित परमेश्वर है, बात करने वाला, ऐसा नहीं है कि वो मूर्ति है जिससे आवाज़ ही नहीं निकल रही, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। जीवित परमेश्वर है, ऐसा प्रभु का वायदा है। तो जरा एक्सपेक्टेशन आशीष पानी है तो वहाँ रखें कि हम जीवित परमेश्वर का गाइडेंस जो है वो सुनने सुन सकें, आमने सामने बातचीत। देखिए उसके बाद में आपको बताना चाहूँगी इसी संदर्भ में खास बात, जो बाइबल में पहला राजा और उसका 19 अध्याय और 11 से 13 वचन में है। यहाँ पर इस प्रकार है, देखिए पूरी एक घटना का वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं इसे। उसने कहा, निकलकर परमेश्वर के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और परमेश्वर के पास से होकर चला, और परमेश्वर के सामने बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी परमेश्वर आंधी में नहीं था। चट्टान टूट रही है, पहाड़ फट रहे हैं, आंधी में परमेश्वर नहीं था। फिर आंधी के बाद भूडोल हुआ, भूकंप आया, परमेश्वर भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद आग दिखाई दी, परमेश्वर आग में नहीं था। आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांप लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पे खड़ा हुआ। फिर एक शब्द से सुनाई दिया कि एलिया तेरा यहाँ क्या काम। एलिया से डायरेक्ट जो प्रभु ने बात की, आप देखें आप और मैं क्या सोच रहे, बड़ा चमत्कारी तरीके से होता है। तब परमेश्वर की आवाज़ आएगी, चट्टान हो गया, भूडोल हो गया, आग हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ नहीं था परमेश्वर का आवाज़ था, स्मॉल स्टिल वॉइस, सुंदर धीमी मधुर आवाज़, जो कई बार आपको और मुझे सुनाई देती है, पर हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं हमारी इमेजिनेशन है, ये तो मेरा खुद का विचार है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वचन हमें इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर बात करता है, जीवित बात करता है।